पावली थाना क्षेत्र में बंटी और बबली ने डबल मुनाफे का लालच दिखाकर लोगों को लाखों रुपए का चूना लगाया है। पांचपावली थाना क्षेत्र में एक धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। आरोपी जितेंद्र नाथ गुप्ता और उनकी पत्नी अंजना गुप्ता, इन्होंने सूफी फंड के नाम पर लोगों को लाखों रुपए का चूना लगाया है। इन पति पत्नी ने लोगों से फंड में पैसे निवेश करने पर अच्छा खासा ब्याज देने का वादा किया। इसके लिए लोग इस फंड में पैसा निवेश करते रहे। इस शातिर पति पत्नी ने पांचपावली थाना क्षेत्र के परिसर में इसका ऑफिस भी खोल रखा था। कुछ समय बाद जब लोग पैसे मांगने लगे तो वे गाली गलौज कर लोगों को भगा देते। आखिरकार फरियादी महेश गुप्ता ने दोनों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने दोनों पर मामला दर्ज कर आरोपी जितेंद्र नाथ गुप्ता को गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपी ने संगनमत करून एक सुपी फंड योजना नावाची योजना सुरू केलेली आहे। आणि सदर योजनेमध्ये परिसरातील तसेच शहरातील अनेक एजंट यांना त्याबद्दल प्रलोभन देऊन त्यांना व्याजाचा आमिष देऊन यामध्ये सदस्य बनविले। त्यांच्या माध्यमातून अनेक सदस्य बनून लाखो रुपये त्यांनी लोकांकडून गोळा केले। पोलीस स्टेशन येथे पाचपावली येथे फिर्यादी महेश लोटन प्रसाद गुप्ता यांच्या फिर्यादीवरून गुन्हा दाखल करण्यात आलेला आहे। सदर गुन्ह्यामध्ये फिर्यादी व त्यांनी बनवलेले सदस्य यांची 34 लाख तसेच अन्य जे सदस्य आहेत एजंट आहे यांची एकूण मिळून 60,67,200 रुपयाची फसवणूक केलेली आहे। सुपी फंड योजनेमध्ये आरोपीने लोकांकडून पैसे स्वीकारून त्यांना प्रलोभन दिले की त्याला 16-17% व्याजाचा आमिष दिलं आणि लोकांकडून पैसे स्वीकारून ते सर्व पैसे 18-19 या वर्षामध्ये त्यांनी परत केले नाही। त्यानंतर फिर्यादी पोस्ट येथे आल्याने त्यांच्या फिर्यादीवरून गुन्हा दाखल। कॅमेरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ अभिषेक पानसी, BCN न्यूज नागपूर।